जलंधर वेस्ट इलाके के विधायक सुशील रिंकू आज अपने समर्थकों के साथ 120 फुटी रोड पर धरना दिया। रिंकू ने कहा कि केंद्र सरकार की पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर किसानों का। केंद्र मोदी सरकार में हमेशा गरीब विरोधी नीतियों को प्रमोट किया। विधायक सुशील रिंकू की अगुवाई में भारी संख्या में लोग एकजुट होकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ते दामों पर मोदी सरकार के खिलाफ बाबू जगजीवन राम चौक पर धरना प्रदर्शन किया। और क्योंकि जिहड़े इलैक्शन के समय के वादे हुए थे, चाहे वह बेरोजगार नौजवानों को लैके हो, चाहे 15 लाख की गल हो, चाहे महंगाई के उत्ते जिहड़ा कंट्रोल करने की गल हो, सरकार अच्छी पहला बिल क्योंकि तेल दीमत जी लगातार बढ़ रही, रसोई गैस दीमत जी लगातार बढ़ रही, और लगभग जो मैं कह कि तेल है जोड़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार तो बाद तेल के लगभग 1.5 गुना जोड़ा रेट है, और घरेलू गैस है जी लगभग 2 गुना हो चुकी है। लोगों का ध्यान ध्यान है जो मुद्दा वाले पास ना जाए, जो व्यर्थ के जोड़े कानून है वो बना के अज पूरे भारत वर्ष के किसानों जोड़ा वो धरने लगा रहे हैं, और देश का जो ध्यान है सारा इन्होंने धरने वाले पास कर दिता है। और मैं समझता कि ये सारिया गल् जो कि सरकार जी वो जान बुझ के कर रही है ताकि लोग इन मुद्दों को पड़े। जिहड़े वो गुलाम नबी आजाद होना के जिहड़े है विदाई भाषण के विच वो कर रहे थे, और जो वाकई प्रधानमंत्री जी अंदर इदा के इमोशन है वो बहुत इमोशनल जिहड़े एक व्यक्तित्व के मालिक है, तो उन्होंने जिहड़े इत्थे सैकड़ा मौतां हुई किसान अंदोलन के विच, और अज किसान भाईचारा उन्होंने परिवार साडियां बजुर्ग जिहड़ियां महिलावां साडे बजुर्ग जिहड़े हैगे आ वो उत्थे लगातार अज इस सड़क दी सर्दी दे विच और बरसातां दे विच।